नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों बात कर रहा हूँ इस समय डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनके पेपर्स दोस्तों हैं, आप सभी को पता कि 22 नवंबर से बैच 2020-22 के स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ईयर का पेपर है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी की आपको प्रोवाइड कराई गई और जहां पर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए। इस वीडियो में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और जितने भी प्रश्न आप लोग सही करते हैं आप लोग बताइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, यानी कि इसमें से आपको तीन कथन जो होंगे वो सत्य मिलेंगे, सही मिलेंगे, जो वृद्धि को बता रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा कथन आपको मिलेगा जो असत्य होगा। देखते हैं, चलिए। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बिल्कुल दोस्तों सही। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल सही। वृद्धि निश्चित समय तक होती है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। डी देखते हैं, वृद्धि को हम माप नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर नहीं लगा दिया, अर्थात यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, कथन असत्य पूछा जा रहा था। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न है आपके सामने, सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया। सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर पूछता है आपसे कि सूझबूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, तब आप बताएंगे किसको, तब आप बताएंगे कोहलर को। और किस पर प्रयोग, तो वन मानुष पर प्रयोग। और वन मानुष पर जब प्रयोग किया, उस वन मानुष का नाम क्या था दोस्तों, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान नाम का वन मानुष था। पूछ सकता है आपसे नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आपसे अवस्थाओं के बारे में अगर पूछता है तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों यहां पर आपको पूछेगा कि किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को ही हम कहते हैं सुनहरी अवस्था। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं, तो अब आप बाल्यावस्था को लगाएंगे। अगर आपसे यही पूछ लेता है कि समूह की अवस्था किसको कहते हैं, तब भी आप बाल्यावस्था को लगाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि गिरोह की अवस्था किसको कहते हैं, तब भी आप बाल्यावस्था को लगाएंगे। और गंदी अवस्था, अगर आपसे पूछ ले कि गंदी अवस्था किसको कहते हैं, डर्टी है जिसको बोलते हैं, यानी कि गंदी अवस्था जिसको कहते हैं, तब भी आप किसको लगाएंगे, बाल्यावस्था को ही लगाएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था। आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था कही जाती है दोस्तों। आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था। यह कथन दिया था स्टेनले हॉल ने, स्टेनले हॉल ने यह कथन दिया था। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। अभी आपकी जो 6 पेपर्स हैं उनकी मैं मैराथन आपको एक एक घंटे की लगभग में वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और बहुत ही जल्द आपको वो वीडियोस मिलने वाली हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो दोस्तों इस एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो है थॉर्नडाइक की, अर्थात यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शंस हैं आपके सामने, स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो दोस्तों अगर हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करते हैं, तो दोस्तों यह सिद्धांत जो था वो स्किनर जी ने दिया। प्रयोग किस पर किया, आप सभी को पता होगा, जो स्किनर जी ने दिया वो प्रयोग किस पर किया, एक किया प्रयोग चूहे पर और दूसरा प्रयोग किया कबूतर पर। दो प्रयोग किए, एक चूहे पर एक कबूतर पर, और इसी को हम बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, और अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसी को बोलते हैं। और अगर पूछा जाए कि द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है, तो स्किनर की है। और पुनर्वलन की सूची तैयार करने के लिए सबसे सर्वप्रथम किसको माना जाता है, स्किनर को माना जाता है। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और स्किनर कहाँ के निवासी, तो दोस्तों स्किनर
अमेरिका के निवासी, स्किनर अमेरिका के निवासी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीवन का आदर्श काल। दोस्तों यह जो कथन था जीवन का आदर्श काल याद दिया था वैलेंटाइन ने, और याद दिया था दोस्तों शैशवावस्था के लिए, कहा था कि शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल कहते हैं। ये कथन था वैलेंटाइन का और शैशवावस्था के बारे में इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब बात आती है तो बात आती है जीन प्याजे की। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इन्होंने चार प्रकार की जो अपना ये सिद्धांत दिया था, इसमें चार प्रकार बताए थे। और पहला आपका मैंने कल बताया था आप सभी को संवेदीय पेशी जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों या प्राक प्रचलनात्मक अवस्था जो थी वो 2 से 7 वर्ष, उसके बाद में मूर्त 7 से 11, और औपचारिक जो थी आपकी वो 11 से प्लस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों बुद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंडीशन ऑफ लर्निंग गेनी की पुस्तक है, और यहाँ पर इन्होंने या हम कह सकते हैं कि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया, तो गेने ने दिया। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए, पहला अधिगम संकेतक अधिगम, दूसरा उद्दीपक अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेदन अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, और द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक थी, और अधिगम सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया था। कैसा लगा आपको आपका वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।